नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे इंटर परीक्षा को लेकर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए छात्रों को एक बड़ी राहत दे दी है, जिसमें उन्होंने 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में छात्र को जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने की इजाजत दे दी है। बता दें कि समिति ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि प्रदेश में मौसम के मिजाज को देखते हुए यह अनुमति दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है, ऐसे में इंटर के छात्रों को मोजा जूता पहनकर परीक्षा सेंटर में जाने की अनुमति दे दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए बोर्ड ने सभी छात्रों, अभिभावकों, DEO के साथ ही नोडल अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी साझा की है। बता दें कि पहले जो है बोर्ड ने चप्पल पहनकर आने की अनुमति दी थी। बिहार बोर्ड इंटर की वार्षिक परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक आयोजित होगी। बता दें कि इस परीक्षा में 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली में यानी कि 9:30 से दोपहर के 12:45 तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा जो है 1:45 से शाम के 5 तक आयोजित होगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान परीक्षार्थियों को 2 बार जांच की जाएगी। छात्राओं के लिए महिला पुलिस की अलग से तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्र में हर परीक्षार्थी को 3 बार जांच की जाएगी। हमने आपको ऊपर में बताया कि हर परीक्षार्थी को 2 बार जांच की जाएगी, जिसमें 2 बार जांच की बात कही गई वह केंद्र परिसर में 2 बार जांच की जाएगी। वहीं 1 बार बिच्छक के द्वारा जांच की जाएगी। बिच्छक का मतलब हुआ कि आपके जो एग्जाम दिलवा रहे होंगे वहाँ पे जो शिक्षक होंगे वही आपके बिच्छक होंगे। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि उत्तर पुस्तिका के पहले पन्ने में बाएं तरफ विषय का नाम और उत्तर देने के माध्यम छात्रों को द्वारा भरे जाएंगे। वहीं प्रश्न पत्र के सटे कोड और उत्तर पुस्तिका में नीले और काले बॉल पेन से भरा जाएगा। उत्तर पुस्तिका के दाहिनी भाग में प्रश्न पत्र सेट कोड और बॉक्स में भरा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अगले माह से शुरू होने वाले मैट्रिक व इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 15 से 18 वर्ष के मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा पूर्व अनिवार्य रूप से टीका देने का निर्णय निर्देश जो है वो जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने अभी तक कोरोना टीका नहीं लिया है उन छात्रों के अभिभावकों से अब स्कूल प्रशासन द्वारा संपर्क किया जा रहा है। तो एक तरह से कह लें कि जिला प्रशासन जो है के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, ये तीनों जो है परीक्षा को लेकर एक तरह से कह लें कि अपनी रणनीति पे लगे हुए हैं। कोरोना महामारी और ठंड दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बीच में इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मोजे और जूते पहनकर छात्रों को आने की अनुमति नहीं दी गई परीक्षा केंद्र पर, लेकिन इस कड़ाके की ठंड और मौसम की मार के बीच में छात्रों को अब जो है मोजा जूता पहनकर जाने की बात कही गई है। क्योंकि 3 घंटे का परीक्षा होगा और इस परीक्षा के दौरान अगर वो मोजे जूते नहीं पहनेंगे तो खाली पैर में उन्हें जो है ठंड का एहसास होगा। ऐसे में कई तरह की खबरें चली मीडिया में। आखिरकार बाद में बिहार बोर्ड ने जो है अपने इस निर्णय में बदलाव किया और उसके साथ साथ इंटर की परीक्षा में मोजे और जूते पहनने की अनुमति दे दी है। हालांकि मैट्रिक की परीक्षा को लेकर अभी किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। वहां अभी से पूर्ववत यानी कि जो पहले से जो गाइडलाइन जारी है वही अभी भी जारी रहेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।